यस क्लास 11 फिजिक्स। आज हम घर्षण करेंगे। घर्षण बल से आप पूरी तरह से परिचित हैं। मान लो ये एक ब्लॉक रखा हुआ है टेबल के ऊपर और इसके ऊपर में एफ, ये हो गया हमारे पास कैसा बाह्य बल द्वारा। जैसे मैं खींचता हूं तो वस्तु चलते चलते रुक जाती है क्योंकि इन दोनों सतहों के बीच में एक बल लगने लगता है जो गति का विरोध करता है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, घर्षण बल बोल देता हूँ। ठीक है, तो घर्षण मेरे पास कैसे होता, डिफाइन होता है घर्षण दो सतहों के मध्य लगने वाला स्पर्श रेखी बल जो बाह्य बल की विपरीत दिशा में लगता है और गति का विरोध करता है। घर्षण बल F कहलाता देखिए, ये दो कोई भी बॉडी है तो इसके और इसके पृष्ठ के बीच में एक बल लगता है, दो सतहों के मध्य लगने वाला स्पर्श रेखी, स्पर्श रेखी यानी इन दोनों को टच करता हुआ जो बाह्य बल की, ये बाह्य बल हो गया उसकी विपरीत दिशा में चलता है और गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है घर्षण बल कहलाता है। ये मेरे पास घर्षण बल कहलाता है। तो घर्षण का कारण क्या है ये देख लीजिए। घर्षण का कारण देखिए, अगर मैं दो वस्तु के पृष्ठ को देखूं तो दुनिया में कोई भी पृष्ठ क्या होते हैं, पूरी तरह से चिकने नहीं है, इनके बीच में कट्स होती हैं और इन कट्स को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर चलती है तो ये प्रोजेक्शन इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, इसलिए घर्षण बल उत्पन्न होते हैं। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर गति करती है तो दोनों के ढांचे, इसको मैं क्या बोलता हूं प्रोजेक्शंस, इंटरलॉक
शब्द को जाते हैं यही घर्षण का कारण। देखिए जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलती है तो इनके बीच में जो खांचे होते हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं और यही घर्षण का क्या होता है, मेन कारण या रीजन होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, हम यहाँ पर दो टाइप के घर्षण को पढ़ते हैं। घर्षण अगर मैं यहाँ पर लेके चलूँ तो मेरे पास घर्षण एक दो टाइप के हो जाते हैं। नंबर वन स्लाइडिंग, स्लाइडिंग ना, और दूसरा हो जाता है रोलिंग। एक स्लाइडिंग का मतलब होता है स्लाइड करना, घूम ऐसे ऐसे कोई टच के करना। तो हम पूरा का पूरा इस स्लाइडिंग में पढ़ते हैं और स्लाइडिंग में हमारे पास तीन टाइप के घर्षण आते हैं। नंबर वन हो जाता है स्टैटिक घर्षण, सीमांत घर्षण और तीसरा हो जाता है प्रत्येक। ठीक, ये तीन टाइप के घर्षण हमारे पास होते हैं। आप इसको करने के लिए क्या कर लीजिए, सपोज करिए एक ये ब्लॉक रखा हुआ, एक ब्लॉक के ऊपर आप बल लगाते जाइए या के ऊपर वेट लगाइए तो यहाँ पर घर्षण बल F उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए क्या कंडीशन होती है, एक मैं यहाँ पर ग्राफ बना लेता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास बाह्य बल F है ना, हम वेट कर रहे हैं तो ये हो गया बाह्य बल F, ये कंडीशन हो गई। और यहां पर F मैं इसको लेके चल रहा हूं, घर्षण बल लेके चल रहा हूं। कल्पना कीजिए कि मैंने इसके ऊपर 1 किलोग्राम का वेट लगाया, ये आगे नहीं बढ़ी। 2 किलोग्राम का वेट लगाया, आगे नहीं बढ़ी। 3 लगाया, आगे नहीं बढ़ी। इसका मतलब है जैसे जैसे मैं यहाँ पर बल बाह्य बल लगाता जा रहा हूँ, विपरीत दिशा में भी हमारे पास घर्षण बल यहाँ पर उतना ही तेजी से कैसा हो रहा है, लगता जा रहा है। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, इसलिए आपके पास इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ठीक, इस स्थिति में जो घर्षण बल लगता है उसको बोलता हूँ स्टैटिक घर्षण, बोल देता हूं मैं इसको। यहां पर डिफाइन कर देता हूं, नंबर वन हो गया हमारे पास कैसा, स्टैटिक घर्षण। स्टैटिक घर्षण में मेरे पास क्या जाता है, बाह्य बल लगाने पर वस्तु स्थिर रहे एवं विपरीत दिशा में घर्षण बल का
समान समानुपाती, समानुपाती रूप से बढ़ता है तो लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण एफएस कहलाता। देखिए आप इसके ऊपर बाह्य बल का मान लगाते जाइए, बढ़ाते जाइए, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसका मतलब क्या है? जो विपरीत दिशा में घर्षण बल, घर्षण बल लग रहा है वह भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है, तो लगने वाले बल को हम क्या बोल देते हैं? इस स्थिति में स्थैतिक घर्षण बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट घर्षण। दूसरा है आपके पास सीमांत घर्षण, तो भी हम एफ एस से शुरू कर रहे हैं। क्या होगा? जैसे जैसे मैं इसका वेट या बाह्य बल बढ़ाऊंगा ये स्थिर रहेगी, लेकिन एक समय के बाद ये एकदम से क्या होगी? आगे हो तो बढ़ने लगती है। तो इस स्थिति में जो वस्तु स्थिर अवस्था से गतिक अवस्था में आई है तो इसका अधिकतम मान क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण कहलाने लगता है। तो मेरे पास क्या हो गया? इसको मैं ऐसा भी डिफाइन कर लेता हूं, ठीक, ये यहां पर ऐसा जाएगा, ये इसको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं। अगर मैं इसको लेके चलूं तो ये आपके पास ये जा रहा है, फिर से ग्राफ आपको बना के बता रहा हूं, ठीक, ग्राफ में प्रॉब्लम आएगी ना, दैट टेक्निकल इश्यू है, वो ओवरलैप नहीं करता। तो देखिए मैंने यहां पर ये वाली कंडीशन में आपका घर्षण बल स्मॉल एफ लिया, ये मेरे पास बाह्य बल कैपिटल एफ है। जब मैं इसको इसको कर रहा हूं तो दोनों एक दूसरे के कैसे चल रहे हैं? समानुपाती चल रहे हैं, ठीक। फिर आपके पास एक ऐसी कंडीशन आती है कि ये वाला बल मेरे पास जैसी मैं इसको बढ़ाता हूं इसका मान भी बढ़ता है और ये फिर आगे हो तो वस्तु चलने लगती है। तो ये वाली कंडीशन में इसको मैं क्या बोल देता हूं? स्थैतिक घर्षण बोल देता हूं, स्थैतिक घर्षण हो गया ये, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा? यहां तक तो इसको मैं बल लगाऊंगा, ठीक है, बाह्य बल लगाऊंगा, ये आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया? घर्षण बल का मान बढ़ रहा है, ठीक, और एक मैक्सिमम सीमा तक बाह्य बल लगाता रहूंगा ये रुकेगी। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं? ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है ये सीमांत घर्षण कहलाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है? सीमांत घर्षण, ये स्थैतिक घर्षण
अधिकतम मान सीमांत घर्षण एफ एस कहलाता ठीक। अब देखिए, अब मैं इसके ऊपर बल लगाता जाऊं तो ये कैसा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में जो घर्षण बल लगता है इसको मैं क्या बोल देता हूं, गतिक घर्षण बोल देता हूं ठीक। तो गतिक घर्षण को मैं यहां पर डिफाइन कर लेता हूं, गतिक घर्षण एफ के जब वस्तु गतिक अवस्था में होती है तो लगने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण एफ के कहलाता। देखिए क्या कंडीशन हुई थी, पहले वस्तु स्थिर थी, मैंने बाह्य बल लगाया, जैसे जैसे मैं बाह्य बल लगाता हूं इसका मान बढ़ता है, इस स्थिति में जो घर्षण बल लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टैटिक घर्षण। एकदम से ये हम आगे खींचते हैं, ये नहीं चलती है, रुकना चाहती है, चलना चाहती है, ये भी मैक्सिमम बल लगाती है ठीक रुकने के लिए, तो उस स्थिति में इसको सीमांत घर्षण बोलते हैं। सीमांत घर्षण का मतलब क्या हो गया, सीमा गतिक और स्थैतिक के बीच की। तीसरा है गतिक घर्षण, जब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो जो घर्षण बल लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं, गतिक घर्षण बोल देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, जो आपके पास एफ एस होता है उसका मान एफ के मान से ज्यादा होता है, यानी स्टैटिक घर्षण का मान गतिक घर्षण के मान से हमेशा ज्यादा होता है। कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एंड कराऊंगा और होमवर्क दूंगा। आपका टेस्ट है, आपका टेस्ट बेसिक चीजों में है, विमीय सूत्र और सदिश और भौतिक राशियों में, उसकी तैयारी कर लीजिए।